Hello everyone, myself Supriya Rai. Today in this video, we will see chapter 20 of class 4th, Eating Together. ये chapter क्या है, किस बारे में है? ये chapter के नाम से आपको पता चल रहा है. Eating Together, मतलब एक साथ खाना खाना. इसके क्या-क्या फायदे होंगे, हम ये chapter क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में देखेंगे. So, before moving ahead, I request and I hope कि आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो. चलिए तो फिर मूव करते हैं इस चैप्टर पे. पहली बात कि ईटिंग टुगेदर है क्या. सो व्हेन मेनी पीपल, जब बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ईटिंग टुगेदर. और ये सबसे पहली चीज शुरू होती है, इट बिगिंस एट अ होम. हम घर पे एक साथ बैठकर, आप स्कूल से घर जाते होंगे, मम्मी पापा आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं. रात में हम लोग एक साथ खाना खाते हैं. इसके फायदे क्या क्या होते हैं कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो हम सब लोग दिन भर में हमने जितनी भी एक्टिविटीज की होती हैं, वी डू अ डिस्कशन, वी टॉक ऑन दैट एंड वी शेयर आवर फीलिंग्स. तो इससे हमारे बीच में प्यार भी बढ़ता है और हमारे बीच में रिलेशंस भी डेवलप होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. व्हेन वी ईट टुगेदर, वी शेयर अवर एक्सपीरियंसेस, जो मैंने अभी आपसे कहा, वी शेयर अवर थॉट्स. हर कोई अपने बारे में अपने विचार व्यक्त करता है. इट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू वन अनदर, ये हमें एक दूसरे के करीब लेकर आता है. ठीक है, आप मम्मी पापा के करीब होते हो और आप अपने सिबलिंग्स से अपनी बातें शेयर करते हो, तो हम खाते वक्त अपनी हर तरह की बातों को शेयर करते हैं जब साथ में बैठते हैं. ये काम हम कब कब करते हैं, जैसे मोस्टली तो हम रोज ये काम करते हैं, मगर कभी कभी ये हमारा साथ में खाना जो होता है वो कभी स्पेशल ओकेजन्स पे होता है, जैसे कि आपके बर्थडेज, घर में वेडिंग एनिवर्सरीज, शादी की सालगिरह जिसे कहते हैं. उसके अलावा आप कभी किसी शादियों में जाते हैं या कोई फेस्टिवल है, आपके घर बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम ये सारी के सारी चीज़ों में, पिकनिक्स पे गए, पार्टी है, कभी कभी आपके स्कूल में भी पार्टीज होती हैं, तो इन सारे चीज़ों में हम क्या करते हैं कि हम एक साथ खाना खाते हैं. यू ऑल आर इन्जॉइंग व्हेन यू आर हैविंग अ पिकनिक, और आपकी कोई स्कूल पार्टी है तो आप सब डिसाइड करते हैं कि मैं ये चिप्स लाऊंगा, मैं पैकेट बिस्किट लाऊंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक लाऊंगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डिसाइड करते हैं, ये हमारी फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग करती है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, ये एक कोई मैरिज फंक्शन है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं. एंड वी ऑल वर व्हाट एक्चुअली डूइंग, हम कर क्या रहे हैं सारे दोनों पिक्चर्स में, हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं. नाउ हलवाई, ये जो है आपका केटरर्स बोलते हैं, दे प्रिपेयर द फूड इन लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े बर्तनों में खाने बनाए जाते हैं जब बहुत सारे लोग क्या होता है साथ में खाना खाते हैं. Eating on such occasion brings joy and happiness. When a large number of people eat together, it's also called as. अब हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे community eating. जब बहुत सारे लोग large scale पर खाना खाते हैं तो वो एक community होती है जो एक साथ खाना खा रही होती है. जैसे हमारे relatives किसी शादी में एक साथ हों तो वो एक particular हमारे relatives हैं तो वो हमारी community खा रही है. कभी हम किसी festival की बात करते हैं, जैसे लंगर है या बिहू festival है, बहुत सारे दिवाली है, या कोई भी आप festival ले लीजिए, जिसमें festivals में हम क्या होता है, वो एक पूरी community एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर उसे celebrate करती है. जैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट अ लंगर. लंगर क्या है? लंगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर, ये स्पेशली गुरुद्वारे में होता है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को यहाँ पर फूड सर्व किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के, ना कास्ट ना रिलीजन, और ना ही ये देखा जाता है कि कौन इतना कितना अमीर है, किसके पास पैसे कम हैं. ओके, किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं किया जाता है और सबको खाना, इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे लोग लाइन से बैठे हुए हैं और लोग वहाँ पर सेवा के नाम पे सर्व करते हैं. जैसे आप चाहें तो आप भी जाके वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, किचन में हेल्प कर सकते हैं और आप लोगों की सेवा कर सकते हैं बाय सर्विंग द फूड. ओके, तो ये भी एक तरह की क्या हो गई, ये भी आप तरह की ईटिंग टुगेदर हो गई, कम्युनिटी ईटिंग हो गई. नाउ वी हैव हेयर वन टॉपिक, बिहू फेस्टिवल. तो ये फेस्टिवल यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फूड, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है. हार्वेस्टिंग आपको पता है, कटिंग ऑफ अ क्रॉप्स.
तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं, सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन एक तो अराइव हो रहा है, एक बात है, और दूसरा हार्वेस्टिंग का सीजन है। ये स्पेशली ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट होता है असम। सब लोग याद रखेंगे बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम। बिहू एक हमारा डांस फॉर्म भी है जो असम का फेमस डांस फॉर्म है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मिड डे मील। ये क्या चीज है? ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। आप लोगों के हर किसी के एक विलेज में कोई ना कोई स्कूल है जो गवर्नमेंट रन करती है। उन स्कूलों में दिन के समय एक टाइम का खाना गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, वहाँ गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इनकरेज करने के लिए कि आप आइए स्कूल में पढ़ाई करिए और आपको एक टाइम का खाना भी हम देंगे। तो इस तरह से बच्चे स्कूल आने में इंटरेस्टेड होंगे। तो मिड डे मील स्कीम जो है, इट इज़ अ इनिशिएटिव टू प्रोवाइड हेल्दी मील एट अ नून टाइम फॉर स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट स्कूल। आप चाहें तो वहां पर जाकर ये सारे स्कीम्स के बारे में जान भी सकते हैं कि बच्चों को और क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम का एम क्या है? एम है पहली बात तो स्कूल अटेंडेंस बढ़ाना, मतलब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर बुलाना। सेकेंड चीज इम्प्रूव करना है सोशलाइजेशन, कि बच्चे आपस में सोशलाइज हों, अमंग कास्ट, अलग अलग कास्ट के अगर बच्चे आते हैं तो एक दूसरे के साथ सोशलाइज हों। फिर माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, क्योंकि बच्चों को खाना न मिलने की वजह से वो क्या हो रहा है, उनमें कमी आ रही है, उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, उनकी बॉडी पूरी डेवलप नहीं हो रही है, तो इस वजह से भी उन्हें फूड की नीड है, इस वजह से गवर्नमेंट उन्हें फूड प्रोवाइड करती है। ऑल्सो एम्पावरिंग द वुमेन थ्रू द एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पर कुछ लोग औरतों को मोटिवेट करके उनको एम्प्लॉय भी करते हैं। जैसे हम खाना बनाने के लिए किसी को रख सकते हैं उस गांव में, किसी महिला को या किसी फीमेल को, और क्लीनिंग के लिए रख सकते हैं। तो इससे हम फीमेल्स को एम्प्लॉय भी दे रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं, और साथ में फूड भी बच्चों को मिल रहा है। दिस इज़ अ वर्कशीट रिलेटेड टू द चैप्टर। ओके, कुछ क्वेश्चन हैं जीके के और जनरल के, आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, आप सबने पढ़े होंगे, आप इसे सॉल्व करिए। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।